आसिम रियाज की सफलता को देखते हुए हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर आसिम रियाज अपने एक पोस्ट के लिए या वीडियो के लिए कितना चार्ज करते होंगे, या फिर हिमांशी खुराना आखिर बिग बॉस के बाद कितना कमा लेती होंगी। तो मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी कि आखिर आसिमांशी की जो फैन फॉलोइंग है उसके बढ़ने के बाद इन दोनों का जो नेटवर्थ है वो कितना हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं आसिम की। आसिम एक सक्सेसफुल मॉडल हैं और बिग बॉस के घर में आने से पहले उन्होंने वरुण धवन और कुछ स्टार्स के साथ थोड़े ऐड भी किए हैं, काम भी किया है, फिल्मों में भी नजर आए हैं। लेकिन बिग बॉस के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनको जो है इस साल की कमाई कम से कम 10 करोड़ रुपये होने वाली है। जी हाँ, 10 करोड़ रुपीज़। उनकी पॉपुलैरिटी के बाद जैकलिन के साथ उनको म्यूज़िक वीडियो बना, उनका कल्ला सोना नहीं आया, फिर ख्याल रखा कर आया। टी सीरीज़ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, देसी म्यूज़िक फैक्ट्री एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और जब आप एक ब्रांड के साथ काम करते हैं तो आपको पैसा भी उतना अच्छा मिलता है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट की मैं बात करूं, आपने देखा होगा ये लोग आसिम ने अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर कुछ पोस्ट भी किए थे। अगर मैं आपको बताऊं तो आसिम जो है एक पोस्ट करने के, जी हाँ, एक सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करने के जो लगभग इनकम की मैं बात कर रही हूँ, एक लगभग 2 से 5 लाख के बीच में चार्ज करते हैं, और अगर ब्रांड बड़ा हो तो वो प्राइज मनी ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं हिमांशी की। हिमांशी पहले से ही अगर मैं कहूँ तो पंजाबी इंडस्ट्री में एक सफल नाम है। साढ़े हक उनकी जो फिल्म आई थी उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के साथ भी काम किया है और लगातार हिट गाने देती आई हैं। उनका जो नेटवर्थ है वो बताया जा रहा है कि पिछले साल जो है 7 करोड़ से 37 to 38 करोड़ चला गया था, और इस साल जो है वो और बढ़कर 40 करोड़ प्लस हो जाएगा, क्योंकि बिग बॉस के बाद उनके पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। अभी आप लॉकडाउन में ही देखें तो उनके 4-5 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, वो एक के बाद एक लगातार प्रोजेक्ट किए जा रही हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी जो है अगर आप इंस्टाग्राम पर देखें तो उनके मिलियंस पर फॉलोअर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे में हिमांशी खुराना का जो वर्थ है वो कह रहे हैं 40 करोड़ प्लस जाएगा, और म्यूज़िक वीडियो के लिए जहाँ वो लाखों में चार्ज करती ही हैं, वहीं सोशल मीडिया पोस्ट अगर मैं बात करूं तो एक अप्रॉक्स जो बजट बताया जा रहा है उनका भी 6 to 10 lakhs के बीच में है कि वो इतना जो है चार्ज करती हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आफ्टर बिग बॉस की पॉपुलैरिटी। तो आपको क्या लगता है? तो आसिमांशी का अगर मैं नेटवर्थ कहूँ तो अब आप जान ही गए होंगे। इससे पहले जो है चर्चाएं हो रही थी कि शहनाज कितना लेते हैं, सिद्धार्थ कितना लेते हैं, वो सब आ ही चुका है, तो मुझे लगा कि मैं आपको आसिमांशी के बारे में बताऊं कि आसिमांशी आखिर जो है वो कितना चार्ज करते हैं, और इन दोनों को पॉपुलैरिटी मिलने के बाद, इनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है उसके बाद जो है इन लोगों का जो है मार्केट में रेट भी बढ़ा है। हालांकि एक बात तय है कि लॉकडाउन नहीं होता तो इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आते, लेकिन घर पर बैठकर भी इन लोगों ने बहुत सारे इंस्टा पर पोस्ट करके प्रोजेक्ट्स मिले हैं इन लोगों को, म्यूजिक वीडियो मिले हैं, उससे भी जो है इनकी पॉपुलैरिटी जो है इनकी इन कैश हुई है। तो आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।